बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरिया पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव। रतनपुर में स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से उन्होंने बातचीत की। बीते एक हफ्ते से रतनपुर समेत कई गांवों में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। 31 मरीज अब भी रतनपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। तैयारी के बावजूद भी यहाँ डायरिया फैल रहा है। डायरिया पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की, हर संभव मदद की बात कहते नजर आए यहां पर डिप्टी सीएम। इसके अलावा आप यहां पर तमाम स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश देते हुए नजर आए कि कोई भी कोताही ना बरती जाए। और क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप हुआ है, प्रशासन की तैयारी व्यवस्था इन सब का जायजा लेने के लिए मैं यहां आया हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में डायरिया के 31 पेशेंट अभी भर्ती हैं। क्षेत्र के आसपास के गांवों में डायरिया का प्रकोप हुआ था, रतनपुर शहर में भी हुआ था। स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में।